हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत हूँ। आज मैं एक एमएक्स वर्ल्ड की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको होम ऑप्शन टैब, मतलब कि होम का जो ऑप्शन है एमएक्स वर्ल्ड के अंदर, वो मैं आपसे सिखाने जा रहा हूँ। तो कैसे आप तो हम यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही हमारा एमएक्स वर्ल्ड, तो हम यहाँ पर एमएक्स वर्ल्ड पर हम क्लिक करते हैं। एमएक्स वर्ल्ड पर क्लिक करने के बाद ये हमारा एमएक्स वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि मतलब एमएक्स वर्ल्ड ओपन हो रहा है, तो हमारा एमएक्स वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पर ब्लैक डॉक्यूमेंट्स लेंगे ना, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया एक ब्लैक डॉक्यूमेंट्स पर, और यहाँ पर 100 की जूम इन कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद होम टैब है। होम के अंदर जैसे कि यहाँ पर हमारे ये बहुत सारे यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने मोहम्मद इमरान, हमने यहाँ पर टाइप किया मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान का स्टाइल हमें बोल्ड करना है, साइज़ बड़ा करना है, तो ये कैसे करेंगे मैं आज आपसे ये शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ही हमारा है फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि इस डॉट पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ये फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं। कितने टोटली कितने स्टाइल होते हैं, कितना साइज, फुल साइज कितना होता है, इंक्रीज मतलब बड़ा सबसे ज़्यादा साइज कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये स्टाइल ऐड करना है ना, ये स्टाइल ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। जो भी स्टाइल ऐड करना हो, एक्स वाई जेड, जिस स्टाइल को आपने ऐड करना है उस स्टाइल पर आप क्लिक करोगे, कोई भी हो, जैसे कि ये स्टाइल है या ये स्टाइल है, ये ऐड किया, क्लिक ऐड हो गया। उसके बाद है यहाँ पर है साइज, जैसे कि यहाँ पर है फॉन्ट साइज, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ये साइज ओपन हो जाएंगे। देखो ये 10 का है, 11, 12, 13, 14, 26, 28, 72 तक ये साइज है। यहाँ से आप इन नंबरिंग से आप 72 तक साइज बोल्ड बड़ा कर सकते हो ना। तो यहाँ पर हमने साइज बड़ा किया है 72 तक, हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा साइज बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक्रीज साइज का, और एक यहाँ पर ऑप्शन है डिक्रीज साइज का। इंक्रीज साइज पर आप क्लिक करते जाओगे, साइज बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा करना है साइज आप यहाँ पर बड़ा करते जाओ ना। एक इसकी भी लिमिट होती है ना, एक लिमिट तक ये होता है, कितनी लिमिट है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपसे साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद है डिक्रीज साइज, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये तो हमारा साइज हमारा ये छोटा होता जाएगा। जितना आपको साइज डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, आपके सामने ये साइज छोटा होता जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने आता है चेंज केस, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर सेंटेंस केस ओपन हो जाएगा, लोअर केस, अपर केस, ये आपका चेंज केस सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट टाइप होता है ना, उसका जो फर्स्ट वाला जो अल्फाज होता है वो बड़ी स्पेलिंग में हो जाएगा। अगर दोबारा इसी पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि हमें सब जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ सब छोटी अबिसिडी में करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने से आपका ये सब छोटी स्पेलिंग में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके दोबारा चेंज केस पर, उसके बाद यहाँ पर अपर केस पर क्लिक करोगे, जितना भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ होगा तो ये सब बड़ी स्पेलिंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब बड़ी स्पेलिंग में आ जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर है ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट होगा ना वो आपका बड़ा हो जाएगा और सारे छोटे हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मोहम्मद गाइम बड़ा हो गया, और बाकी जितने भी अल्फाज हैं छोटे हो गए ना। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे इमरान लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है वो आपका बड़ा है और सब छोटे हो गए हैं। ये है हमारा चेंज केस का इस्तेमाल। ये चेंज केस के बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ हमने टाइप कर दिए, टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे उसको स्पेलिंग, जैसे कि मिस्टेक हो गई है कि हमने बड़ी स्पेलिंग में लिख दिया, छोटी में लिखना था, या पहला अल्फाज बड़ा करना था, ये ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये मिस्टेक यहाँ से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये है बोल्ड। जैसे कि हम टेक्स्ट को साइज टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, या टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बोल्ड का। जैसे कि थोड़ा सा टेक्स्ट मोटा जैसे कर देते हैं ना, एक बारीक टेक्स्ट होता है, एक मोटा टेक्स्ट होता है, इस पर क्लिक करोगे देखो ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया ना, मतलब कि गहरा हो गया थोड़ा सा।
जैसे कि इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो ये दोबारा से रिमूव हो जाएगा, मतलब एक बार क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है इटैलिक, जैसे इस पर क्लिक करोगे इटैलिक से ये तिरछा टेक्स्ट हो जाता है ना, मतलब कि टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है स्टाइलिश। उसके बाद है अंडरलाइन, जैसे ही यहाँ पर अंडरलाइन पर आप क्लिक करोगे टेक्स्ट के नीचे जितना भी नाम लिखा होगा ना, जितना बड़ा जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उसको नीचे लाइन आ जाएगी ना, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन आ गई। अभी हमें डबल अंडरलाइन लगानी है या स्टाइल में जैसे होती है अक्सर किसी टेक्स्ट के नीचे स्टाइलिश लाइन भी होती है, वो हमें ऐड करनी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आता है ये डबल अंडरलाइन आता है, फिर यहाँ पर थोड़ी बोल्ड अंडरलाइन आती है, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी आपने स्टाइल ऐड करना है वो उस पर क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा। अगर आपको आपने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर दोबारा इस डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आता है आउट अंडरलाइन कलर, ये आ जाएगा अंडरलाइन कलर। तो इस पर क्लिक कर कर यहाँ से जो भी कलर आपने ऐड करना है उस लाइन कलर पर क्लिक करो, जैसे रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी कलर ऐड करना है एक्स वाई जेड उस पर क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपके सेंटर के अंदर टेक्स्ट है ना जितना भी, उसके सेंटर में लाइन आ जाएगी। जैसे कि हम कॉपी पर भी कोई भी चीज़ें गलत होती हैं तो उसके दरमियान में भी हम ऐसे ही लाइनें लगा देते हैं, तो यहाँ से भी ऐसे ही है, जैसा कि हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर लाइन लगा देंगे तो वो मिस्टेक होती है ओनली। उसके बाद यहाँ पर हम जैसा कि क्लिक करते हैं और कीबोर्ड के अंदर से हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा ना, इंटर लिखा हुआ होता है कीबोर्ड के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर हम ये है ना, जैसा कि ये रिमूव करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दो, इस पर अंडरलाइन, फिर उसके इटैलिक, फिर उसके बोल्ड, ये नेक्स्ट लाइन जो आई है उस पर ये हर चीज़ें रिमूव हो गई, उसके ऊपर ये ऐड नहीं होंगी। तो जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं एक फार्मूला x2 का, जैसे ही हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखते ही यहाँ पर हमारा x2 आ गया। जैसे कि हमने 2 को सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट का और एक ऑप्शन आता है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट करोगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा डाउन साइड पर ना, जैसे कि हम मैथ या केमिस्ट्री वगैरह का ये फार्मूला होता है तो इसके अंदर मैथ का फार्मूला भी बना सकते हैं, केमिस्ट्री के भी फार्मूले बना सकते हैं। ऐसे ही एक आगे भी ऑप्शन है जैसे मैथ का पेपर बनाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, तो जर आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की साइड पर चला जाएगा ना, ठीक है जी, ये से हम मैथ वगैरह या केमिस्ट्री का फार्मूलाज बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर हमें हेडिंग देनी है ना, जैसे कि हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें अगर इसे रिमूव करना है, इसे क्लिक किया तो ये रिमूव हो जाएगी ना, ये ऐड हुए हमें। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, ये है टैक्स इफेक्ट स्टाइल, जैसे कि इस पर क्लिक करोगे ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि हमें कोई भी हेडिंग वगैरह बनाने, मिसाल के तौर पर हमें ये हेडिंग लगानी है या हेडिंग ये वाली लगानी, इस पर क्लिक करोगे देखो ये हेडिंग ऐड हो जाएगी, वो हेडिंग बन जाएगी, है ना, एक उसके ऊपर स्टाइल ऐड हो जाएगा तो उसकी बन जाएगी वो हेडिंग। उसके बाद दोस्तों हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसके बैक साइड पर कलर लगाना चाहते हैं तो ये कलर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर जो है टेक्स्ट के बैक साइड पर जो होगा ना वहाँ पर कलर ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ से जो भी कलर हमने ऐड करना है यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस पर क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पर आपके ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मोहम्मद इमरान, इसके बैक साइड पर टेक्स्ट ऐड होगा, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उसके टेक्स्ट बैक साइड। अगर हमें इसी कलर को रिमूव करना है, मतलब कि इसे हटाना है, तो इसी को हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाएंगे तो यहाँ पर नो कलर, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कलर रिमूव हो जाएगा इसके बैक साइड से। अगर हमें जैसे यहाँ से हमने स्टाइल तो लगा दिया, अगर इसका स्टाइल का हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से है टेक्स्ट कलर, मतलब कि फॉन्ट कलर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जिस कलर को ऐड करना है ना, हम उस कलर को क्लिक करेंगे। जैसे हमें ये कलर ऐड करना है या ये कलर ऐड करना है या ये कलर, जिस कलर को भी क्लिक करना है उस पर क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा आपका। ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और ये होता है फॉन्ट कलर। ये दोनों की याद कर लें, एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर और एक टेक्स्ट कलर। उसके बाद ये हो जाने के बाद एक यहाँ पर एक ऑप्शन है, यह है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर आर फॉर्मेटिंग से ये चीज़ है क्या, मैं आपसे थोड़े से डिफाइन कर देता हूँ। क्लियर आर फॉर्मेटिंग
क्लियर ये है कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, अगर हमने जैसे टाइप किया था ना, जैसे टाइप किया उसका स्टाइल कैसा था, उसका साइज कैसा था, उसका कलर कैसा था, बोल्ड था या नहीं था, इटैलिक था या नहीं था, अंडरलाइन थी उसके नीचे नहीं थी, तो वो यहाँ पर बताएं। क्लियर फॉर्मेटिंग पर जैसे कि हमने स्टाइल चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब चीज़ें इसके ऊपर लगाई, कलर भी चेंज किया, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने से ये हर चीज़ को रिमूव कर देगा। जैसे हमने टेक्स्ट को टाइप किया था वैसा टेक्स्ट था, तो अभी भी वो वैसा ही हो जाए। क्लियर फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक करते हैं, देखो जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की थी वो सब चीज़ें हमें रिमूव कर कर यहाँ पर हमारे सामने ये बता दी हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये आपके सामने होम के कुछ ये फॉन्ट जो ऑप्शन थे, फॉन्ट के जो ऑप्शन थे मैंने आपसे वो कुछ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है, उसके बाद स्टाइल्स हैं, फिर उसके बाद आगे एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, इसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ जिस साथी ने मेरा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करता रहूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे चैनल से जुड़ते रहिएगा और अपने ग्रुप और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक भी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।